नमस्कार, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो आज हम महिंद्रा के दो बेहतरीन ट्रैक्टर्स की तुलना करने वाले हैं, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। शुरुआत करते हैं इंजन से। तो आपको दोनों ट्रैक्टर के अंदर 44 हॉर्स पावर का दमदार इंजन मिलेगा और दोनों ट्रैक्टर्स के अंदर आपको 4 सिलेंडर्स मिलेंगे। ट्रांसमिशन, तो दोनों ट्रैक्टर के अंदर आपको सिंगल और ड्यूअल क्लच मिलेंगे। और ट्रांसमिशन टाइप की बात करें तो आपको कॉन्स्टेंट मेश टाइप का ट्रांसमिशन मिलेगा। गियर्स की बात करें तो आपको दोनों ट्रैक्टर के अंदर 8 फॉरवर्ड गियर और 2 रिवर्स गियर मिलेंगे। ब्रेक्स की बात करें तो आपको इन दोनों ट्रैक्टर्स के अंदर ऑयल इमल्ड ब्रेक मिलेंगे, जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। स्टेयरिंग की बात करें तो आपको पहले ट्रैक्टर के अंदर पावर स्टेयरिंग मिलता है, वही दूसरे ट्रैक्टर के अंदर आपको पावर स्टेयरिंग और मैनुअल इन दोनों में ऑप्शन मिलता है। स्टेयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो आपको दोनों ट्रैक्टर के अंदर ये सुविधा नहीं है। पीटीओ की बात करें तो आपको दोनों ट्रैक्टर्स के अंदर 540 आरपीएम का पीटीओ मिलेगा और पीटीओ हॉर्स पावर की बात करें तो 39 हॉर्स पावर का पीटीओ मिलेगा। अब बात करते हैं हाइड्रोलिक्स की। तो लिफ्टिंग कैपेसिटी इन दोनों ट्रैक्टर की सेम है, 1500 केजी। टायर्स की बात करें तो आपको इन दोनों ट्रैक्टर्स के अंदर फ्रंट टायर 616 के और पिछले टायर 13.6x28 के मिलेंगे। ड्राइविंग टाइप की बात करें तो आपको दोनों ट्रैक्टर्स के अंदर 2-व्हील ड्राइव मिलेगा और वारंटी की बात करें तो आपको दोनों ट्रैक्टर्स के अंदर 6 साल की वारंटी मिलेगी। अब इस वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी कि इन दोनों ट्रैक्टर्स की कीमत। तो पहला ट्रैक्टर यानी कि महिंद्रा 475 DISP प्लस की प्राइस की बात करें तो ये ट्रैक्टर आपको 6-7 लाख में मिल जाएगा। और दूसरा ट्रैक्टर यानी कि महिंद्रा 475 DIXT प्लस, इसकी कीमत लगभग 5,60,000 से 6 लाख तक मिल जाएगा। आपको इन दोनों ट्रैक्टर में से कौन सा ट्रैक्टर पसंद आया हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही नए नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।